बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपको आस्थमा के बारे में बताने चला हूँ। आस्थमा यानी दमा, तो दमा के बारे में जो बहुत ज़्यादा पेशेंट इसके मौजूद होते हैं और परेशानी का शिकार होते हैं, होम्योपैथिक में इसके लिए क्या फ़ायदा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको दमा के बारे में बताऊं, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आस्थमा क्या होता है यानी दमा क्या होता है। तो इसकी सबसे बड़ी अलामत सांस का मुश्किल से आना, मरीज़ की जो सांस लेना वो भी मुश्किल, सांस का बाहर निकालना वो भी मुश्किल। ये आस्थमा जो है तीन किस्मों का होता है। नंबर एक ब्रोंकल आस्थमा यानी सांस की नालियों की वजह से सांस की तकलीफ, फेफड़ों की नालियों की वजह से सांस की तकलीफ। दूसरा कार्डियक आस्थमा यानी दिल की वजह से सांस की तकलीफ। और तीसरे नंबर पे एलर्जिक आस्थमा यानी एलर्जी की वजह से सांस की तकलीफ। सबसे पहले मैं आपको आस्थमा के बारे में और उसकी एहतियाती तदाबीर के बारे में बताऊंगा, फिर इसके बाद मैं आपको ब्रोंकल आस्थमा के बारे में बताऊंगा। मरीज को जब सांस की तकलीफ़ हो जाए तो सबसे पहले उसको तन सीधा बैठना चाहिए और इसके बाद बाजियों को किसी चीज़ के ऊपर टेक लगा के थोड़ा सा आगे को झुक के बैठना चाहिए ताकि सांस की तकलीफ़ जो है वो कम से कम हो। और छाती के ऊपर बोझ ना रहे, स्टीम जो है वो मरीज़ को देनी चाहिए, इससे मरीज़ को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। इलाज के तौर पे सबसे पहले आप एक्वानाइट 30 ताकत में और एपिकाक 30 ताकत में मरीज को 15-20 मिनट के वक्फे से इसको इस्तेमाल कराएं तो बहुत जल्द आपका मरीज जो है वो सांस की तकलीफ में कमी महसूस करेगा। अब जब मरीज़ आपका बेहतर हो गया तो आप अपने मरीज़ को केस टेक इसका करें, इसकी अलामत तफसील से लें और इस नतीजे पे पहुँचें कि इसको सांस की तकलीफ़ कौन सी है, क्या इसको ब्रोंकल आस्थमा है या एलर्जिक आस्थमा है या कॉर्डिक आस्थमा है। अगर मरीज़ को ब्रोंकल आस्थमा है यानी फेफड़ों की नालियों की सोजश जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है और सांस बाहर निकालना भी मुश्किल हो जाता है, तो उस वक़्त आप इसके इलाज के लिए इंटम टाट 200 ताकत में और एपिकाक 200 ताकत में इस्तेमाल करवाएं। और इसके अलावा बलाटा मदर टिंचर जो 10 कतरे दो घूंट पानी में डाल के मरीज़ को बार बार इस्तेमाल करवाने से आपके मरीज़ को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। बायोकेमिक में नैट्रम सल्फ 6x में मरीज़ को इस्तेमाल करवाने से बहुत ज़्यादा आप फ़ायदा दे सकते हैं। इसी तरह बायो प्लस जे नंबर 2
ये भी अस्थमा के लिए बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा दे सकती है। बेसिलियम 200 ये बहुत ही अहम मेडिसिन है, इसको आप हफ्ते में एक दफ़ा 200 खुराक ज़रूर दें। और एक और मेडिसिन जो आर्सेनिक एल्बम है वो भी सांस की तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, जबकि मरीज़ में आर्सेनिक एल्बम की अलामत पाई जाएं, मसलन प्यास बार बार लगती है और मरीज़ एक या दो घूंट पीता है, बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील होती है, सांस की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और ख़ुसूसी तौर पे रात को इसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा होता है, तो उस वक़्त आप आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में 5 कतरे दिन में 4 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल कराएं, इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। ये मेरी वीडियो आपको अब कैसी लगी? इंशाल्लाह अच्छी लगी होगी, तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। वस्सलाम।